नमस्कार, मैं स्नेह शर्मा और चिनाब टीवी की हिंदी बुलेटिन में आपका स्वागत है। ठाठरी कुलुत्रान हाईवे भूमू पर कार दुर्घटना हुई जो करीब 300 फीट गहरी खाई में गिर गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक दो यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई और एक यात्री की जिला अस्पताल डोडा में मृत्यु हो गई और एक यात्री की काफी गंभीर हालत है, जिसे जम्मू के लिए रेफर किया गया है जहाँ उसका इलाज चल रहा है। अधिक जानकारी के लिए देखिए ये रिपोर्ट। पाकिस्तान के साथ 1999 के करगिल युद्ध की जीत को चिन्हित करने के लिए भारतीय सेना ने आज डोडा में विजय दिवस मनाया और कई कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें विभिन्न स्कूलों और मदरसों के छात्रों ने भाग लिया। दिन की शुरुआत भारतीय सेना के इन शहीदों को श्रद्धांजलि देने से हुई, जिन्होंने दुश्मन ताकतों से लड़ते हुए मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने वाद विवाद और चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लिया तथा प्रत्येक प्रतियोगिता के प्रथम 3 विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। इरम सबा, मैं गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी से हूँ। आज जो हमारा यहाँ पे कंपटीशन था, पहले तो मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल होती हूँ इंडियन आर्मी का और आल्सो हमारी प्रिंसिपल मैम अर्शद सर, जो हमारे साथ टीचर्स यहाँ पे आए, जिन्होंने हमें यहाँ पे मौका दिया, यहाँ पे बोलने का स्पीच का मौका दिया। हम बहुत थैंकफुल है और इंडियन आर्मी पर हमें बहुत ज़्यादा गर्व है कि ये कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा कुछ करते हैं। बिना अपनी जान की परवाह किए हुए अपनी जान को दाव पे लगा देते हैं, ये अपनी जान की बिना परवाह किए हुए कंट्री को बचाते हैं और दुश्मनों पर हमला भी होता है, एट द एंड दुश्मनों से भी लड़ जाते हैं अपनी जान की परवाह ना करते हुए। मैं अरशद अयूब खान, वोकेशनल ट्रेनर एट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल डोडा। ये स्पीच कंपटीशन था, इसके ऊपर हमारे बच्चों ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इसमें फर्स्ट प्राइज स्पीच में भी हमारे बच्चों ने ही, गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल डोडा ने ही फर्स्ट किया और ड्राइंग कंपटीशन में भी गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल डोडा ने टॉप किया। इसमें सबसे बड़ा जो योगदान रहा है वो हमारे स्कूल के स्टाफ का, प्रिंसिपल मैम का और बच्चों का रहा। और इसमें स्पेशल जो इसका मोटिव था वो यही था कि करगिल विजय दिवस के ऊपर बच्चों ने क्या, बच्चों के अंदर क्या जुनून है, वो क्या भावनाएं हैं बच्चों के ऊपर, बच्चों के अंदर, तो वो बच्चों ने रिप्रेजेंट किया है। और इंडियन आर्मी का जो योगदान है करगिल दिवस के ऊपर वो बहुत ज़्यादा है। डिस्ट्रिक्ट डोडा में बच्चों के डिफरेंट स्कूल से बच्चों को यहाँ पर लाया गया है और उसमें बच्चों के बीच, स्कूल के बीच कंपटीशन कराया गया, उसमें हमारे गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल डोडा ने फर्स्ट किया है। के दौरान जैसे 1999 का वार हुआ, इसमें इंडियन आर्मी ने बहुत अपनी जान की परवाह किए बगैर दुश्मन से लड़े, इवन के वहाँ सर्दी का मौसम हो या गर्मी का हो, टेम्परेचर वहाँ 0 डिग्री से ज़्यादा नीचे ही रहता है, उस इतनी ख़राब परिस्थितियों के बावजूद, कड़ी मतलब पहाड़ियों और जहाँ रास्ता नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ पहाड़ ही पहाड़, पत्थर ही पत्थर हैं, उसके बीच भी हमारे जवान जो हैं इतने रियल हीरोज़, जो हम अक्षय कुमार, सलमान खान, अमिताभ बच्चन, उनको हीरो मानते हैं, लेकिन असली हीरो जो हैं, रियल हीरो जो हैं, वार के हीरो हैं जो, वो हमारी इंडियन आर्मी है, इंडियन आर्मी के जवान है। जय हिंद, जय भारत। बातचीत करने के लिए सभी के लिए पेंडिंग थोड़ा हंसी है बच्चों, बस नहीं लगे ऐसे। करगिल विजय दिवस के 24वें वर्ष के उपलक्ष्य में भारतीय सेना ने रामबन जिले की बनिहाल तहसील में पुष्पांजलि समारोह आयोजित किया। समारोह में 20 एनसीसी छात्र, एनसीसी शिक्षक, मीडिया कर्मी और सैनिक उपस्थित थे। अधिक जानकारी के लिए देखिए मेहरानवानी की ये रिपोर्ट। आज का दिन तमाम भारतवासियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। 26 जुलाई हर हिंदुस्तानी तक कयामत याद रखेगा। ये वो दिन है जब हमारे वीर जवानों ने करगिल जंग को फतह में तब्दील किया, अपनी जानें निशावर की, अपना सब कुछ धन वन सिर्फ अपने मुल्क के लिए कुर्बान किया। ये जंग हमने खुद अपने आँखों से देखी है, अभी तक हम सुनते थे लेकिन हमने देखा है कि
कि कैसे जवानों ने वहाँ पर अपना बलिदान दिया। उन जवानों की याद में आज हर जगह पर हिंदुस्तान के कोने कोने में ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और इसे मनाया जाता है, और इन शहीदों को खराज अकीदत हम पेश करते हैं। हम चूंकि एनसीसी जो है वो भी एक आर्मी की विंग है, हम भी यहाँ पर आए। 12 RR ने जो यहाँ पर ये प्रोग्राम बनाया, लास्ट ईयर उन्होंने हमारी हायर सेकेंडरी में बहुत धूमधाम से मनाया था। आज भी जो इन्होंने इन शहीदों को खराज अकीदत के लिए मनाया, हम भी इसमें मौजूद थे। हम इन जवानों का, जिन्होंने अपने बलिदान दिए है, इनके लिए धन्यवाद करते हैं। मैं बॉयज हायर सेकेंडरी बनिहाल से हूँ। आज जैसे कि आप जानते हो 26 जुलाई है। आज हम इस मौके पे इसलिए यहाँ पे जमा हुए क्योंकि इस दिनों जो है करगिल वार हुआ था, जिनमें हमारे जो वीर जवान थे, हमारे जो उनने जो है फतेह हासिल की थी, इसलिए हम इनको सलामी देने के लिए यहाँ पे मौजूद हुए। SDM पाडर अरुण कुमार बडियाल ने श्री मचेल माता यात्रा के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि भक्तों के लिए अपनी तरह का पहला 30 किलो वाट हाइब्रिड और ऊर्जा संयंत्र 4G एयरटेल टावर जैसी अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान की गई हैं। इसके अलावा मचेल गांव में बिजली भी उपलब्ध कराई गई है। अधिक जानकारी के लिए देखिए ये रिपोर्ट। जय माता दी, आप हमारे पीछे देख रहे हैं कि ये एयरटेल का टावर जो है पूरी तरह इंस्टॉल है, फंक्शनल है और ऑपरेशनल है विद 4G प्लस मोबाइल कनेक्टिविटी। और आप जैसा आप देख रहे हैं, सफाई का पूरा ध्यान रखा जा रहा है यहाँ पे। इलेक्ट्रिसिटी भी पूरी तरह रिस्टोर हो गई है। उसके अलावा हमें 30 किलोवाट का यहाँ सोलर प्लांट जो है, ये आज शाम तक हमें उम्मीद है कि ये भी फंक्शनल हो जाएगा। इसके अलावा हमारा यही संदेश रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा यात्री माता टंडी माता के दर्शन करें, और एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनके लिए पूरी शाना बशाना खड़ी है। जो भी अगर उनको कोई दिक्कत आती है तो हमें जो है डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करें। नमस्कार, मेरा नाम संजीव कुमार शर्मा, मैं ही मचेल का निवासी हूँ, मचेल का रहने वाला हूँ। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं, कल से 25 जुलाई से ऑफिशली तौर पर मचेल माता की जो यात्रा है 5 सितंबर तक चलेगी। ऐसे तो बैसाखी के बाद जैसे भवन खुलता है चंडी माता का, तो यात्री यहाँ पर आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन मैं शुक्रिया करना चाहूँगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, खास करके हमारे डॉक्टर देवांश यादव सर, जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत मशक्क़त के बाद काफ़ी अच्छे अच्छे इनिशिएटिव लिए यहाँ पर। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो ये पीछे आपको हमारे दिखाई दे रहा होगा सोलर प्लांट, जी हाँ, 30 किलोवाट का सोलर पैनल जो आज कल मैं लग के यहाँ पर हर गांव को, हर घर को, माफ़ कीजिएगा, हर घर को, मचेल के हर घर को, मंदिर को बिजली जो है पूरी तरह से दे दी जाएगी। और एक और खुशी की बात है खास करके लिए मचेल तहसील के लिए, पूरे कल से एयरटेल का जो टावर था यहाँ पर वो भी शुरू हो गया, जिसकी वजह से लगभग पूरी पंचायत एक किस्म से हम कहेंगे कि कवर हो गई। तो इसके लिए भी मैं पूरा श्रेय देना चाहूँगा डॉक्टर देवांश यादव सर, और मैं बधाई देना चाहूँगा AEE हमारे सुधीर सर जी हैं, जो दिन रात जिन्होंने मेहनत करके वार फुटिंग बेस पे बिजली का जो काम लगा हुआ था उसको कल यहाँ ठीक 9 बजे बिजली भी उन्होंने पहुँचा दी। तो मैं कुल मिला के पूरा ये जो जितना भी इस यात्रा का क्रेडिट है वो पूरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को देना चाहूँगा। धन्यवाद। जय माता दी, मैं जगमत नरगो सरपंच पंचायत मचेल, मैं DC साहब का और PDD डिपार्टमेंट का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। DC साहब जब से यहाँ आए हैं, मुझे दिख रहा है यहाँ कहीं ना कहीं काम हो रहा है और इलाके का डेवलपमेंट भी लग रहा है। मैं DC साहब का तहदिल से धन्यवाद करता हूँ। साथ में SDM साहब हैं, डिविजनल कमिश्नर साहब हैं और PDD हमारे AEW साहब, सुधीर साहब का भी दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उन्होंने इतना फ्लड, यहां इतना मुश्किल काम था, मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि यहां भी यात्रा के दिनों बिजली आ पाएगी, मगर सुधीर जी की मेहरबानी है कि इन्होंने दिन रात काम करके यहां बिजली पहुंचाई है। और साथ में मैं बुद्धिस्ट कम्युनिटी को भी
एक मैसेज देना चाहता हूँ कि यूटी के पक्ष में चाहे लोसेनी है, डंगेल है, हलोती हांगो जहाँ भी है, बहुत जल्द यहाँ बिजली पहुँचाई जाएगी। और साथ में जो दूर दूर के गांव है, जैसे सुमचाम आप ले लो, सुमचाम का मसला है, वहाँ भी बहुत जल्द ही आपको सोलर प्लांट लगाया जाएगा। धन्यवाद। 1999 में कारगिल संघर्ष के दौरान पाकिस्तान पर जीत के 24 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में और हमारे बहादुर सैनिकों की वीरता और बलिदान को चित्रित करने के लिए वीर योद्धाओं को श्रद्धांजलि देते हुए भारतीय सेना द्वारा धर्मुंड में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। 2 दिवसीय कार्यक्रम विभिन्न गतिविधियों से भरा हुआ था, जिसमें ड्राइंग प्रतियोगिता, निबंध लेखन, शहीदों के लिए दौड़, उसके बाद विभिन्न कार्यक्रम के विजेताओं को पुरस्कार दिए गए। अधिक जानकारी के लिए देखिए ताहिर मुश्ताक की रिपोर्ट। जिला रामबन में रोजगार एवं परामर्श केंद्र ने करियर काउंसलिंग के संबंध में जागरूकता शिविर का आयोजन किया। अधिक जानकारी के लिए देखिए ताहिर मुश्ताक की रिपोर्ट। पता है कि मेरे प्लम्बर को हैमर पकड़ने का सही तरीका अभी तक नहीं पता है कि मैं हैमर कितना दूर से पकड़ूंगा कि फोर्स पूरी जाएगी और वो कील बुरा दब जाएगा। ये चीजें सीखने की है आपकी। बेसिकली ये जो एक काउंसलिंग सेशन था हमारे जो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट, जो एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट है, तो डायरेक्टरेट की तरफ से हमारे जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट में हैं, एडी साहिबान हैं, डिप्टी डायरेक्टर साहिबान हैं, ये सब लोग इस लेवल पर अपने काउंसलिंग सेशन लगातार करते रहते हैं। उसके साथ साथ हमारे जॉब फेयर भी होते रहते हैं, उसमें ई काउंसलिंग सेशन भी है, फिजिकल काउंसलिंग अभी जो है इंडिविजुअल काउंसलिंग भी होती रहती है। आज इस सिलसिले में एक काउंसलिंग सेशन यहाँ पर था, जिसमें हमारे वाइटिंग साहब थे, एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर साहब थे, एस एस ओ साहब थे, प्रिंसिपल साहब को खैर उनकी कलेब्रेशन से यहाँ पे हुआ है। और एडी साहब ने ये करवाया, यहाँ पे जो है इसको मुनाकिद करवाया है। यहाँ पर डिफरेंट ट्रेड के जो बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, लगभग मेरे ख्याल से 100-125 बच्चों ने यहाँ पार्टिसिपेट किया होगा डिफरेंट ट्रेड्स और स्किल सेट से। तो हमारे पास जो मेगा जॉब फेयर जम्मू में होता है या कश्मीर में होता है, श्रीनगर में होता है, या जो जॉब फेयर यहाँ पर भी होते हैं, उनमें वैकेंसीज जो है आप यकीन करिए इन लेख में 4 लाख+ वैकेंसीज अवेलेबल है। और जो डिफरेंट कंपनीज हैं, डिफरेंट सेक्टर्स से हैं, जैसे इलेक्ट्रिशियन वाले जो हार्ड वर्क चल रहा है यहाँ पर उसमें लग जाते हैं, प्लम्बिंग वाले भी हैं, मोटर मैकेनिक वाले जितने भी यहाँ पर ट्रेड्स हैं, उन सब की जरूरत जो रहती है। कंपनीज को बेसिकली हम लोग इस काउंसिल सेशन के जरिए से, जॉब फेयर के जरिए से एक इंटरफेस देते हैं, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं बिटवीन जॉब सीकर एंड जॉब प्रोवाइडर के दरमियान। तो बच्चों को रेडीमेड एक मटेरियल मिल जाता है, वहाँ पर कंपनी भी मिल जाती है। कौन सा जो आपके प्रोफेशन बहुत बड़ी सेशन है, उनकी बहुत ज़्यादा नारायण हॉस्पिटल इस तरह के जो है मेडिकल और हेल्थ फील्ड में बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल नर्सिंग होम की वैकेंसीज हैं। इसी तरह हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, इरकान आपका रेलवे यहाँ पर है, हाईवे है, दुनिया भर की कंपनीज एंड अदर थिंग्स जहाँ पर जो है वैकेंसीज लैक्स होती हैं, तो बच्चों को उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए प्रोत्साहन किया जाता है। ठीक है। तो मैं शुक्रगुजार हूँ सुशांत जी का भी और महकमा एम्प्लॉयमेंट का भी कि ये दूसरा इवेंट यहाँ। आपका जो कनेक्टर है वो किस स्विच गार्ड का डाउन हो गया या आप हो गया, मतलब आप देखिए तजुर्बा क्या है। और सिंपल वो आदमी जो था उसने कहीं से कुछ नहीं सीखा था इलेक्ट्रिसिटी। आज के हिंदी समाचार यहीं पर समाप्त होते हैं। धन्यवाद।